सिमंदर तहब और अकाल तख्त के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपको बहुत प्राउड फील होगा। तो सुनिएगा, जब आप अकाल तख्त में होते हो तो आप अलौकिक जगत के प्रतीक हरिमंदर साहब को तो देख सकते हो, लेकिन उसी के उल्ट लौकिक जगत के प्रतीक अकाल तख्त को आप हरिमंदर साहब के गर्भगृह से नहीं देख सकते, क्योंकि गर्भगृह में पहुंचे भक्तों के लिए कोई राजा बाजा नहीं होता, वो तो वहां पर अपने वाहिगुरु की भक्ति में लीन है। गाइस, जो अकाल तख्त है वो शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए उसको 22 डिग्री झुका के बनाया गया है, और जो हरिमंदर साहब है वो भक्ति का प्रतीक है, और भक्ति का दर्जा हमेशा शक्ति से ज़्यादा होता है। इसीलिए अकाल तख्त के सामने जो निशान साहब है, मीरी और पीरी, उसमें से पीरी का निशान साहब थोड़ा छोटा है और जो मीरी है भक्ति, उसका निशान साहब बड़ा है, और वो हरिमंदर साहब की साइड है, ताकि जो ईश्वर का दर्जा हमेशा सर्वोत्तम बना रहे।